नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राजाराम यादव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों हम आज बात करेंगे एक रीट का टॉपिक है, जीवाणु जनित रोग है टीबी, उसके बारे में। तो टीबी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीबी क्या है। तो टीबी मित्रों एक रोग का नाम है जो जीवाणु जनित रोग होता है। कैसा रोग होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। और जो ये टीबी है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का जो पूरा नाम होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। ये एक जीवाणु जनित बीमारी होती है और ये संक्रामक बीमारी होती है। मित्रों प्रतिवर्ष आपके 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी के अन्य बहुत सारे नाम हैं। इसे तपेदिक बीमारी कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। तो ये टीबी के कुछ अन्य नाम होते हैं। अब हम दो नंबर पर बात करते हैं टीबी के रोगजनक के बारे में। जो टीबी रोग होता है उसका रोगजनक क्या है, यानी कि इसका पैथोजन क्या होता है। मित्रों इसका जो पैथोजन होता है वो एक जीवाणु होता है। उस जीवाणु का जो नाम होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम होता है मित्रों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बेसिलस प्रकार का जीवाणु होता है। बेसिलस का मतलब जो इसकी संरचना होती है वो छड़ के समान या एक डंडे के समान होती है। दंडाकार जीवाणु होता है। तो इसका जो जीवाणु है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब हम तीन नंबर पॉइंट पर बात करते हैं कि जो ये टीबी रोग होता है इसका संक्रमण कैसे होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग है वो किस प्रकार फैलता है। तो मित्रों ये जो रोग है, जैसे कोई रोगी है वो छींकता है या खांसता है तो उसके फेफड़ों से जो हवा बाहर आती है उस हवा के अंदर ड्रॉपलेट होते हैं, छोटे छोटे बूंदक होते हैं, द्रव के छोटे छोटे बूंदक होते हैं। उन बूंदकों या ड्रॉपलेट्स के अंदर है इसके वो जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु है किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं हवा के द्वारा या किसी अन्य चीज के द्वारा। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके संक्रमण होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जरूरी नहीं है कि वो अगला व्यक्ति संक्रमित हो, क्योंकि उस व्यक्ति के अगर इम्यूनिटी पावर बहुत तेज है तो वो संक्रमित नहीं भी हो सकता, ये भी चांस बनते हैं। इसके अलावा आपके जो मुंह की लार होती है उसके द्वारा भी इसका संक्रमण होता है। जैसे चुंबन करने से या कोई जूठी चीज है, यानी कि किसी रोगी व्यक्ति ने पानी पिया एक बर्तन के अंदर, उस बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी, उसको अगर कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति पीता है तो उसके भी टीबी का संक्रमण होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं चार नंबर पॉइंट पर कि जो टीबी रोग होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, टीबी रोग के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देता है, जो रोगी व्यक्ति होता है उसे लगातार खांसी बनी रहती है और कभी कभी वो खांसी के साथ में जो रक्त की मात्रा है वो भी बाहर निकल कर आती है। इसके अलावा जो रोगी व्यक्ति है उसे भूख कम लगती है और वो काफी कमजोर महसूस करता है। इसके अलावा जो रोगी व्यक्ति उसे लंबे समय तक हल्का बुखार बना रहता है। शरीर के अंदर जो लसीका गांठ है, लिम्फ नोड्स है, उनके अंदर सूजन आ जाती है। रात के समय पसीना आता है। तो ये कुछ जैसे बलगम आता है खांसी के समय, तो ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है जो टीबी के रोगी में देखने को मिलते हैं। मित्रों अब हम बात करते हैं पांच नंबर की, जो ये टीबी रोग होता है उसके परीक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो टीबी जो रोग होता है उसके लिए परीक्षण होता है मोनटेक्स परीक्षण, जो छोटे बच्चों के लिए होता है। जो दूसरा परीक्षण है उसके अंदर जो इरिथ्रोसाइट होती है उसकी सेडमेंटेशन है वो काउंट की जाती है, जिसे हम ESR कहते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके अलावा CBT कंबाइंड ब्लड कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कुछ है वो टीबी के स्टेजेस
टेस्ट होते हैं, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो याद रखना है, मोन्टेक्स परीक्षण, जो छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। अब हम 6 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं कि जो टीबी रोग होता है उसके लिए टीकाकरण का क्या कार्यक्रम है। तो मित्रों, जो टीबी रोग होता है उसके लिए टीकाकरण, इसका जो टीका है उसका नाम होता है BCG का टीका, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट गुरिन, या कहीं कहीं नाम देखने को मिलता है बेसिलस कैलमेट गुरिन। तो ये BCG का जो टीका है वो त्वचा के अंदर लगाया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, याद रखना है, जो BCG का टीका है वो त्वचा में लगाया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, और इसका जो पूरा नाम है वो है बेसिलस कालमेट गुरिन। कई बार है ये जो प्रश्न है BCG का फुल फॉर्म, कई बार जो एग्जाम के अंदर है ये पूछा गया है। तो इसके अलावा जो BCG का टीका होता है, ये BCG का टीका कब लगाया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है। जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, तो जन्म होने के 24 घंटों के भीतर, यानी कि जैसे बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद जो आने वाले 24 घंटे हैं उनके अंदर बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है। तो BCG का जो टीका है वो 24 जन्म के बाद 24 घंटों के भीतर लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, कब लगाया जाता है, जन्म होने के बाद 24 घंटों के भीतर। अब हम आगे 7 नंबर पॉइंट पर बात करते हैं कि जो टीबी का इलाज है वो किस प्रकार किया जाता है। तो मित्रों, जो टीबी रोग होती है उसके लिए एक पद्धति अपनाई जाती है जिसका नाम है डॉट्स। क्या नाम है? डॉट्स। अगर आपने कहीं सरकारी हॉस्पिटल का विजिट किया कभी, तो वहां पर जो दीवारें हैं उन पर नारा लगा हुआ, मतलब नारा लिखा हुआ होता है कि टीबी को है बाय बाय डॉट्स, है सरल उपाय। तो जो डॉट्स होती है वो एक पद्धति होती है टीबी का इलाज करने के लिए, जिसका पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्या नाम होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये डॉट्स का फुल फॉर्म होता है। इस डॉट्स को 1947 के अंदर WHO ने अपनाया था, 1947 के अंदर WHO ने सर्वप्रथम अपनाया था। इसके अलावा जो भारत सरकार है उसने टीबी का नियंत्रण करने के लिए 1962 में एक कार्यक्रम चलाया था। और इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जो इसके लिए एक एंटीबायोटिक दवा काम में ली जाती है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो टीबी के रोग के इलाज के लिए इससे काम में लिया जाता है। तो ये टीबी रोग के इलाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, पिछली बार रीट भर्ती के अंदर डॉट्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी।